2024 फतेह के लिए सपा के दुर्ग ध्वस्त करने में जुटी भाजपा, मैनपुरी और रामपुर में तैनात की बड़ी टीम। मैनपुरी पहुंचे सीएम, धैर्य से लिया योगी ने कहा, मैनपुरी में एक बार भी नहीं लिया मुलायम का नाम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले 1.68 लाख लोगों के निवेश प्रस्ताव, 5.63 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के घर में हुआ ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के महुदिया गांव से भारत जोड़ो यात्रा फिर से हुई शुरू, कई कार्यकर्ता भी हुए शामिल। सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया गिरफ्तार, ईडी की कार्रवाई पर शुरू हुई सियासत। मस्क ने जारी की हंटर बाइडेन के कारनामों की सेंसर कहानी, डोर्सी नहीं गड्ढे को बताया जिम्मेदार। स्पेन के यूक्रेनी दूतावास में धमाके के बाद 2 लैटर बमों से हड़कंप, आतंकी घटना के तौर पर जांच जारी। बिग बॉस के घर में साजिद खान को याद आया अपना एक्स रिलेशनशिप, अंकित से किया दिल का हाल बयान। लोगों ने एफडी पर लिया सर्वाधिक 43.4% कर्ज, कोरोना के बाद पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या बढ़ी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।